अब ये है वो चाशनी, चाशनी मीठा पानी। हाँ अच्छा, क्योंकि मैंने ऐसी बोतलें देखी है ना हर जगह पे, और अब उसमें डाल देंगे भी सोडा। अच्छा मतलब ये पहले ही तैयार है दो, वो एक तरीके जैसे अपने यहाँ पे सिकंजी होती है वैसे यहाँ पे सिर्फ तैयार होता है इसका, ये है ना वही हो गया ना सिस्टम। अब यहाँ पे आए थे ना तो वो कल से सोच रहे थे कि जेठालाल टाइप का जो होता है ना वो छोटा पीते हैं, एकदम अलग टेस्ट है, मतलब दिल्ली की सिकंजी जैसा तो नहीं है, थोड़ा अलग है उससे। अब ये नहीं पता कि ये सेम बना है कि नहीं बना है, लेकिन अच्छा है। एक और नए दिन की नए सफर की शुरुआत हो गई है। ये जो बैक में होटल दिख रहा है बंसी होटल, इसमें हमने रूम ले रखा था। और एक चीज़ है ना जो बड़ी कॉमन सी है यहाँ पे, वो दिखाते हैं, मतलब कुछ कॉमन नहीं कह सकते, अलग कह सकते हो इसको तो, क्योंकि अलग है थोड़ी सी। हम जिस जगह पे खड़े हैं ये गुजरात है अभी हम जहाँ पे हैं, और सामने दिखाते हैं आपको दीव, यानी ये जस्ट ये सामने जो ये वो ये दिख रहा है ना ये गेट सा, इसके पार करते ही यहाँ पे जो है वो दीव शुरू हो जाता है और इधर जो है ये गुजरात शुरू हो जाता है। और यहाँ पे गाड़ियों की चेकिंग जो है ना वो बहुत तकड़े वाली होती है, क्यों, क्योंकि इधर जो है वो दारू यानी शराब जो है वो बंद है, उधर चालू है, उधर हर घर में ठेके खुले हुए हैं एक तरीके से, बार बनी हुई है, और इधर है नहीं, तो बड़ी तगड़ी चेकिंग होती है पूरा दिन। और मान लो आपको बीच पे जाना है जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, तो वो जस्ट इसके पार है, तो यानी आपको दीव जाके ही बीच पे आप जा सकते हो, और इधर से फिर ये गुजरात भावनगर सूरत अहमदाबाद जहाँ पे भी आगे की तरफ गुजरात का रास्ता जो है वो इधर से है। और ये वाला हो गया अपना होटल बंसी, बढ़िया है। उधर जो है होटल थोड़े से ज़्यादा महंगे हैं, इधर आके थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं, मीडियम बजट में कह सकते हो, तो इधर ले सकते हो रूम अगर कभी घोघरा बीच पे आओ तो, क्योंकि जस्ट उससे 500-700 मीटर ही दूर है, ज़्यादा दूर है नहीं बिल्कुल भी। और हम अपने अगले सफ़र के लिए हो गए हैं अब तैयार, घोघरा से यानी गुजरात में ही है वैसे घोघरा बीच के जस्ट बराबर में, और यहाँ से हम निकल रहे हैं अब भावनगर की तरफ, आगे की जर्नी करते हैं शुरू। चलिए करते हैं दीव को अलविदा, वैसे तो सुबह ही हो गया था लेकिन अभी हम बॉर्डर पे हैं, तो ये है सामने दीव और ये है अब गुजरात केंचो। इधर ट्रांसपोर्ट का माध्यम है ना लोकल के अंदर, ऐसे ऑटो और एक छकड़ो है, छकड़ो दिखाते हैं, उसके अंदर बहुत लोग घूम रहे हैं। दीव से करीब 25-30 मिनट की ऑटो में राइड के बाद ये है ऊना का बस स्टैंड। अब यहाँ से ऐसी बस मिलेगी भावनगर के लिए, कुछ ऐसा सा है। भाई साहब आते हुए ना एसी वाली बस में ट्रैवल किया, फिर नॉन एसी में किया, अब सरकारी बस का हाल देखो, एक ही गेट है, और अब तो निकलने वाले और घुसने वाले दोनों ऐसे आ रहे थे पूरे तरीके से, और कितनी भीड़ है, बस बिल्कुल भर भर के चल रहे हैं पूरे तरीके से। ये है गुजरात का छकड़ो रिक्शो, इतनी सवारियां आ जाएंगी जितने अपने यहाँ पे ना ऑटो ऑटो में भी नहीं आ सकती, इतनी भर भर के इसमें, ये लगा लो कि 10-10, 15-15 जो 20-20 सवारियां हैं ना वो इसके अंदर हम लोग भर सकते हैं, इतना वाला कमाल है इसमें। अभी हम लोग बैठे हैं दोबारा से ऑटो में और दोबारा पहुंच गए हैं दीव, यानी एक बार और उधर से कुछ मिला ही नहीं बस में जाने का, तो नए सिरे से पूरी की पूरी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो रही है, और दोबारा से दीव आ गया है। तो ये चीज देखिए यहाँ पे आप, जैसे गुजरात के अंदर जो है वो दारू यानी शराब जो है वो बैन है, इधर यहाँ पे हर घर में दारू की ठेके हैं, रात में जो है वो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, लेकिन इस साइड ये जितने भी दिख रहे हैं ये वाले, यहाँ पे ये हर घर में बार बनी हुई है, इधर ये बीच है वही बीच, और इधर जो है वो हर घर में दारू के ठेके हैं, तो उधर वाले जितने भी हैं वो इधर आके अपना पी के चले जाते हैं या लेके चले जाते हैं, जैसा भी है। चेकिंग वहाँ पे बड़ी तगड़े वाली होती है, ये हर घर में इधर दीव ठेका बना हुआ है, बार बनी हुई है, और खारे पानी की जेल, काले पानी, ये भी काले पानी की है क्या? काला पानी तो अंडमान में होता है ना, वो समुद्र में बोलता है ना। अच्छा तो अभी भी ये वर्किंग है या वैसे ही है? अभी इसमें कैदी है? इसमें नहीं कैदी नहीं। अच्छा खाली है अभी? खाली है। ओके अभी आवाज तुमको बस स्टैंड पे उतरने का अंदर जाना है। चलो अच्छा ही हुआ ना, इस बहाने आपसे भी मिल लिए। हां जब अभी क्या करने का? हां जी बताइए।
सामने रिजर्वेशन कर डालो, ठीक है, बाकी जगह तो मिल जाएगा आपको। बिल्कुल। तो भाई ये है ऑटो जिसमें दोबारा से जर्नी करनी पड़ी, और ऑटो वाले भी भाई साहब मस्त आदमी है। तो अभी है ना दीव के बस स्टैंड पे हैं, और इधर है ना पूरा मतलब जाम गए थे ऊना वहाँ भी और यहाँ भी, पूरा सिस्टम ही उल्टा है। सरकारी बस की भी एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती है, आपको सीट मिलेगी तो आप सीट में चढ़ोगे वरना नहीं चढ़ोगे। अब वहाँ वो पीछे बसें खड़ी हैं, जो वहाँ पे हम लोग बस खाली पड़ी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो सब ऑनलाइन बिक चुकी है। जैसे ये नहीं होती हैं अपने जो घूमने वाली ऐसी बसें जो होती हैं कहीं जाने की, जैसे बुकिंग होती है तो इस तरीके से बुकिंग होती है पहले ही सारी। ऐसा वाला सिस्टम नहीं है कि बस में बैठे टिकट ले लिया, वो वाला सिस्टम नहीं है, टोटल एकदम डिफरेंट है। अगर पहले से जैसे अब वो बिक सारी सीटें बिक चुकी हैं तो वहाँ पे सीट मिलेगी नहीं, अब कह रहे कि दो घंटे बाद आएगी दूसरी बस तो उसकी बुकिंग करवा लो तो शायद मिल जाए, पूरा उल्टा है। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये देखिए बस स्टैंड पे ना ये बोर्ड लगा हुआ है, इनमें से कई ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे दीव में घूमने की हैं। हम तो अभी ज़्यादातर पे नहीं घूम पाए, दो तीन लोकेशन पे ही गए हैं, काफ़ी अच्छी थी। नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत सारी चीज़ें छोड़ के यहाँ से अब निकलते हैं।